प्रवीण जी, आपको बीजेपी जेजेपी की तरफ से प्रदेश उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से धन्यवाद करना चाहेंगे, किस तरह से आगे पार्टी के लिए काम किया? प्रथम तो मैं प्रदेश उपाध्यक्ष बनने पर उप मुख्यमंत्री जी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और अपने दिग्विजय सिंह चौटाला जी और अपने प्रदेश के अध्यक्ष युवा के भाई रविंद्र सागवान जी का युवा प्रदेश उपाध्यक्ष बनाने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जहां बात आती है ये पार्टी की, तो पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसे मैं निष्ठा से निभाऊंगा और पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। युवाओं को किस तरह से जोड़ा जाएगा, क्योंकि युवाओं की पार्टी है, आपके मुख्यमंत्री खुद एक युवा है? युवाओं की बात करें तो आज जहां रोज़गार की बात आती है, हमारे उप मुख्यमंत्री जी की कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने वादा किया था 75% रोज़गार देने का युवाओं को, अब उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि हरियाणा के बच्चे ही 75% युवा ही लगेंगे, फैक्ट्री वगैरह में रोज़गार मिलेगा उनको। तो आगे युवाओं के लिए और क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से देना चाहेंगे, पार्टी के साथ जुड़ने के लिए किस तरह से जुड़ सकते हैं युवा पार्टी? देखो, अब हम बूथ स्तर पर और गांव-गांव जाकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और युवाओं को अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। प्रवीण जी, आपको बीजेपी जेजेपी की तरफ से प्रदेश उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से धन्यवाद करना चाहेंगे, किस तरह से आगे पार्टी के लिए काम किया? प्रथम तो मैं प्रदेश उपाध्यक्ष बनने पर उप मुख्यमंत्री जी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और अपने दिग्विजय सिंह चौटाला जी और अपने प्रदेश के अध्यक्ष युवा के भाई रविंद्र सागवान जी का युवा प्रदेश उपाध्यक्ष बनाने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जहां बात आती है ये पार्टी की, तो पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसे मैं निष्ठा से निभाऊंगा और पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। युवाओं को किस तरह से जोड़ा जाएगा, क्योंकि युवाओं की पार्टी है, आपके मुख्यमंत्री खुद एक युवा है? युवाओं की बात करें तो आज जहां रोज़गार की बात आती है, हमारे उप मुख्यमंत्री जी की कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने वादा किया था 75% रोज़गार देने का युवाओं को, अब उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि हरियाणा के बच्चे ही 75% युवा ही लगेंगे, फैक्ट्री वगैरह में रोज़गार मिलेगा उनको। तो आगे युवाओं के लिए और क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से देना चाहेंगे, पार्टी के साथ जुड़ने के लिए किस तरह से जुड़ सकते हैं युवा पार्टी? देखो, अब हम बूथ स्तर पर और गांव-गांव जाकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और युवाओं को अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। प्रवीण जी, आपको बीजेपी जेजेपी की तरफ से प्रदेश उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से धन्यवाद करना चाहेंगे, किस तरह से आगे पार्टी के लिए काम किया? प्रथम तो मैं प्रदेश उपाध्यक्ष बनने पर उप मुख्यमंत्री जी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और अपने दिग्विजय सिंह चौटाला जी और अपने प्रदेश के अध्यक्ष युवा के भाई रविंद्र सागवान जी का युवा प्रदेश उपाध्यक्ष बनाने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जहां बात आती है ये पार्टी की, तो पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसे मैं निष्ठा से निभाऊंगा और पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। युवाओं को किस तरह से जोड़ा जाएगा, क्योंकि युवाओं की पार्टी है, आपके मुख्यमंत्री खुद एक युवा है? युवाओं की बात करें तो आज जहां रोज़गार की बात आती है, हमारे उप मुख्यमंत्री जी की कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने वादा किया था 75% रोज़गार देने का युवाओं को, अब उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि हरियाणा के बच्चे ही 75% युवा ही लगेंगे, फैक्ट्री वगैरह में रोज़गार मिलेगा उनको। तो आगे युवाओं के लिए और क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से देना चाहेंगे, पार्टी के साथ जुड़ने के लिए किस तरह से जुड़ सकते हैं युवा पार्टी? देखो, अब हम बूथ स्तर पर और गांव-गांव जाकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और युवाओं को अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। प्रवीण जी, आपको बीजेपी जेजेपी की तरफ से प्रदेश उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से धन्यवाद करना चाहेंगे, किस तरह से आगे पार्टी के लिए काम किया? प्रथम तो मैं प्रदेश उपाध्यक्ष बनने पर उप मुख्यमंत्री जी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और अपने दिग्विजय सिंह चौटाला जी और अपने प्रदेश के अध्यक्ष युवा के भाई रविंद्र सागवान जी का युवा प्रदेश उपाध्यक्ष बनाने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जहां बात आती है ये
पार्टी की, तो पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसे मैं निष्ठा से निभाऊंगा और पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। युवाओं को किस तरह से जोड़ा जाएगा, क्योंकि युवाओं की पार्टी है, आपके उप मुख्यमंत्री को देगी युवाओं? युवाओं की बात करें तो आज जहां रोज़गार की बात आती है, हमारे उप मुख्यमंत्री जी की कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने वादा किया था 75% रोज़गार देने का युवाओं को, अब उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि हरियाणा के बच्चे ही 75% युवा ही लगेंगे फैक्ट्री वगैरह में, रोज़गार मिलेगा उनको। तो आगे युवाओं के लिए और क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से देना चाहेंगे पार्टी के साथ जुड़ने के लिए, किस तरह से जुड़ सकते हैं युवा पार्टी? देखो, अब हम बूथ स्तर पर और गांव-गांव जाकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और युवाओं को अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। प्रवीण जी, आपको जेजेपी की तरफ से प्रदेश उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से धन्यवाद करना चाहेंगे, किस तरह से आगे पार्टी के लिए काम किया? प्रथम तो मैं प्रदेश उपाध्यक्ष बनने पर उप मुख्यमंत्री जी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और अपने दिग्विजय सिंह चौटाला जी और अपने प्रदेश के अध्यक्ष युवा के भाई रविंद्र सागवान जी का युवा प्रदेश उपाध्यक्ष बनाने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जहां बात आती है ये पार्टी की, तो पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसे मैं निष्ठा से निभाऊंगा और पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। युवाओं को किस तरह से जोड़ा जाएगा, क्योंकि युवाओं की पार्टी है, आपके उप मुख्यमंत्री को देगी युवाओं? युवाओं की बात करें तो आज जहां रोज़गार की बात आती है, हमारे उप मुख्यमंत्री जी की कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने वादा किया था 75% रोज़गार देने का युवाओं को, अब उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है।